चैनल से अगर कंपटीशन क्लासेस जो रोकल जो हमने वीडियो डाली थी वो एलजेब्रा पार्ट वन थी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप टू के सवाल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कल की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी और आज एक नई वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हूँ और शुरू करते हैं आज की सवाल। देखो जैसे ही क्वेश्चन लिखा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दो, तो आपको बताना है एक्स की पावर ग्यारह माइनस वन अपॉन एक्स की पावर ग्यारह, इसका दूसरा पार्ट है एक्स की पावर एक सौ बारह प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एक सौ बारह। अच्छा, इसे करने से पहले आप मेरे को एक चीज बताओ, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल होगा जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, मेरी वन होगी, है ना। तो आप एक्स की दो लगा के देखो तो दो प्लस एक बटे दो भाई ढाई हो जाएगा, तो यहाँ तो दो है, तो एक्स बराबर जब आप वन लगाओगे तो वन प्लस वन तभी तो दो होगा। तो आप ये बात समझ रहे हो भाई इस सवाल में क्या है कि एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी वन है, इस सवाल में क्या है एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी वन है, यानी कि आप यहाँ वन लगाओगे माइनस एक बटे एक, तो एक में से एक जाएगा तो कितना बचेगा जीरो बचेगा। ठीक है, वन प्लस वन बराबर यहाँ कितना आ जाएगा दो आ जाएगा। ठीक है, आज की सवाल का एक क्लास नंबर दो आप देख रहे हो बोर्ड पे दे रखा है, देखो एम प्लस वन अपॉन एम की पावर एम माइनस टू बराबर अगर चार दे रखा है तो आपको पहला पार्टी है इसकी वैल्यू बतानी है, दूसरा पार्टी है इसकी वैल्यू बतानी है। तो वो टाइप उसी जैसा लग रहा है, लेकिन आप सोच रहे हो यार एम की जगह वन लगा लू या दो लगा लू तो ऐसा यहाँ नहीं पॉसिबल है। देखो आप सबसे पहले एक काम करो, यहाँ जो जैसा है इसको भी इस जैसी शक्ल बना लो, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे आपको माइनस दो करना पड़ेगा, यानी माइनस दो यहाँ करोगे। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया तो वन अपॉन एम माइनस दो, जब आपने इधर की साइड में माइनस दो किया तो भाई इधर भी तो आपको माइनस दो करना पड़ेगा, यानी कि मेरा ये हो गया एम माइनस दो प्लस वन अपॉन एम माइनस दो बराबर कितना आ गया मेरा दो, और ये दो तभी पॉसिबल है जब इस पूरे की वैल्यू वन हो और इसकी वैल्यू वन हो, यानी कि आप देख रहे हो एम माइनस टू बराबर मेरा कितना है वन, तो एम की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी तीन आ जाएगी, यहां से एम की वैल्यू कितनी आ गई तीन आ गई। अब जब आप इसमें रखोगे एम की जगह तीन, तो तीन माइनस दो यानी एक, और एक की पावर ग्यारह कितना होगा मेरा एक, तो यहाँ भी तो एक की पावर ग्यारह, ये भी तो एक बट्टी एक होगा और एक बट्टी एक कितना होता है एक, यानी एक और एक कितना हो गया दो, तो इस सवाल का आंसर आ गया दो। अच्छा, इस वाले सवाल पे आते हैं, इसमें क्या है आपको पता है कि एम की वैल्यू तीन दे रही, तो भाई तीन बस पुट करना है, तीन का स्क्वायर नाइन हो गया और थ्री थ्री हो गया प्लस वन, ये कितना आंसर आ गया यहाँ पे थर्टीन आ गया। ठीक है, हाँ तो भाई आज की सवाल का क्लास नंबर तीन आपके सामने, और मैं कोशिश करता हूँ सॉरी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सवाल को खुद से सोल्व करें और फिर देखें, है ना। तो देखो इस सवाल में क्या दे रखा है, एम प्लस वन अपॉन एम प्लस टू की बराबर जीरो दे रखा है, फिर वही सवाल के भाई इस तरह से आप निकालो। ठीक है, तो आप कोशिश करें। अच्छा, करना क्या है, देखो फिर मैंने वही बताया कि आपको भी यहाँ भी इसी जैसी शक्ल बनानी पड़ेगी, यानी कि आपको एम प्लस टू करना पड़ेगा प्लस वन अपॉन एम प्लस टू करना पड़ेगा। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, जब इस साइड में मैंने दो जोड़ा है तो इधर भी तो मैं दो जोड़ूंगा, है ना, यानी जीरो प्लस टू मेरा टू ही हो गया, हुआ या नहीं हुआ। और ये टू तभी पॉसिबल है जब इस पूरे की वैल्यू वन होगी और इसकी पूरे की वैल्यू वन होगी, यानी कि मुझे तो भाई एम का वैल्यू फाइंड करना है ना, मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो आप देखोगे एम प्लस दो बराबर जब वन है तो एम की वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस वन, जब एम की वैल्यू मुझे माइनस वन प्राप्त हो गई तो जब मैं इसमें पुट करूंगा एम की जगह माइनस वन, तो माइनस वन प्लस टू प्लस वन हो जाएगा, जब वन की पावर कितनी भी हो भाई वन ही होता है, तो ये भी आप वन अपॉन वन वन हो जाएगा, यानी वन प्लस वन आंसर कितना आ जाएगा मेरा टू आ जाएगा। इसी तरह से आप इसमें पुट करोगे एम की जगह कितना पुट करोगे माइनस वन, अच्छा माइनस वन की पावर जब से एक समसंख्या होती है यानी कि एक इवन नंबर होता है तो उसका आंसर माइनस वन ही होता है, सॉरी प्लस वन होता है, तो ये प्लस वन हो गया, जब ऑड नंबर होता है तो माइनस वन ही होता है, एक इवन नंबर होता है तो प्लस वन ही होता है, यहाँ पे तो वन है ना, तो इसकी जगह तो माइनस वन और प्लस वन, यानी कि आप देखो इससे घटेगा इससे घटेगा, आंसर मेरा कितना आ जाएगा वन आ जाएगा इस सवाल का। आज की क्लास का सवाल नंबर चार हम देखते हैं, और आप इसमें देखोगे देखो पिछले वाले सवाल में क्या था, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दो था, लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस दो दे रखा है, तो आप एक चीज बताओ भाई ये माइनस दो कब पॉसिबल है, माइनस दो तभी पॉसिबल है जब एक्स की वैल्यू माइनस वन होगी, यानी कि माइनस वन यहाँ भी माइनस वन लगाओगे तो माइनस वन ऊपर जाके माइनस वन ही रहेगा भाई, तो माइनस वन तभी तो माइनस टू होगा, यानी कि मैं समझ गया एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस वन है, तो आप यहाँ माइनस वन की पावर ग्यारह करोगे, तो मैंने बताया जब भी ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर मतलब जब विषम संख्या होता है तो माइनस वन का आंसर कितनी पावर हो विषम में तो उसका आंसर माइनस वन ही होता है, यानी कि ये कितना होगा मेरा माइनस वन, ये भी तो माइनस वन होगा, तो माइनस वन और माइनस वन कितना आंसर आ गया मेरा माइनस के टू आ गया। ऐसे ही आप यहाँ पुट करोगे क्या एक्स की जगह माइनस वन, तो एक्स की जगह माइनस वन की पावर आप देख रहे हो विषम संख्या, तो यानी वो कितना हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, माइनस
एक बट्टे एक्स किया माइनस वन लगाओगे तो अच्छा माइनस वन की पावर, फिर वही विषम संख्या, तो यहाँ भी तो माइनस वन हो जाएगा, तो आप देखोगे वन और माइनस ऊपर बन जाएगा तो माइनस माइनस से प्लस वन हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। सवाल नंबर 5 आज की क्लास का आप कोशिश करो, देखो सी एस से सवाल है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके मैं लिख रहा हूँ, है ना, तो इसी तरह से मैं रोज एक टॉपिक उठाया करूंगा और आपको इस तरह से उस चीज से जरूर बेनिफिट होगा, आप बस बने रहे मेरे चैनल के साथ, ठीक है। तो आप देखेंगे अब एम, अच्छा मैंने अभी अभी पिछले सवाल में बताया था जैसा यहाँ है आपको वैसा यहाँ करना है, तो ऐसा करने के लिए आपको यहाँ दो जोड़ना पड़ेगा, यानी कि दो आपको इधर साइड भी जोड़ना पड़ेगा। भाई जब एक बंदे को आप कुछ दोगे, यानी मानो आपने एक बंदे को कुछ रुपए दो, भाई सामने वाला ही मांगे भाई मुझे भी दे दे, है ना, तो आप क्या करोगे जब इधर की साइड में आप दो जोड़ोगे तो ये तो मेरा एम प्लस टू है ना, तो इधर भी तो आपको दो जोड़ना पड़ेगा, तो जैसे ही आप दो जोड़ोगे इधर हो जाएगा मेरा माइनस के दो, इधर हो जाएगा मेरा माइनस दो। अच्छा ये माइनस तो तभी पॉसिबल है जब पूरे इस फंक्शन की वैल्यू माइनस वन हो और इस पूरे फंक्शन की वैल्यू माइनस वन हो, है ना, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ एम प्लस दो की वैल्यू कितनी है मेरी माइनस वन है, एम प्लस दो बराबर कितना है मेरा माइनस वन, यानी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी माइनस थ्री। जब एम की वैल्यू माइनस थ्री है तो आप यहाँ पुट करेंगे एम की जगह माइनस तीन लगाएंगे, माइनस तीन और दो कितना हो जाएगा माइनस एक हो जाएगा, है ना, तो माइनस एक की पावर अगर एक विषम संख्या हो तो माइनस वन ही रहेगा, तो ऐसे ही आप इसे करोगे एक बट्टे भी तो माइनस एक हो जाएगा, यानी ऊपर पहुंच जाएगा माइनस एक, और माइनस एक कितना आ जाएगा मेरा आंसर माइनस के दो। क्लास का सवाल नंबर 6 आप देखेंगे, है ना, आप कोशिश करें पहले आप सॉल्व करने की वीडियो को पोस्ट करते हैं। चलो अब मैं बताता हूँ आपको इस सवाल को, देखो आपको दिख रहा है एम माइनस दो है, यहाँ भी आपको माइनस दो करना पड़ेगा, यानी कि एम माइनस दो प्लस वन अपॉन एम माइनस दो बराबर कितना हो जाएगा मेरा माइनस के दो, ये माइनस दो तभी पॉसिबल है जब पूरे की वैल्यू माइनस वन हो, है ना, तो m माइनस दो बराबर कितना हो गया मेरा माइनस वन हुआ या नहीं हुआ, यानी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे प्लस के वन, जब आप प्लस वन लगाओगे तो माइनस वन की पावर बार है प्लस वन हो गया, ये भी तो प्लस वन हो जाएगा, तो एक और एक इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा दो। आज की क्लास का सवाल नंबर 7 हम देखते हैं, और देखो ये पिछले वाले जितने 6 तरह के सवाल कराए उनसे थोड़ा सा अलग है, आप बस सोचते रह जाओगे यार वन कहाँ आएगा, अगर आप एक्स की वन लगाओगे तो वन प्लस वन ये दो हो जाएगा और दो बराबर में नहीं दे रखा, यानी कि एक्स बराबर माइनस वन भी लगाओगे तो माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस दो, यानी आप सिर्फ सोचते रहोगे ये सवाल आपको इस तरह से नहीं होगा। आप देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहले देखो इसको मैं प्रूव करके बता रहा हूँ ना, फिर आप बस याद कर लेना की होता क्या है ना, तो आप देखोगे अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर मेरा वन है तो अगर मैं क्रॉस करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स इधर आ जाएगा, तो इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ तो ये माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा जीरो, यानी कि आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर कितना हो गया मेरा जीरो। अच्छा आप क्या करो एक्स प्लस वन का इधर मल्टीप्लाई करो और एक्स प्लस वन का जब आप जीरो में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो मेरा जीरो ही होना है, होना या नहीं होना, यानी कि पूरा कितना हो जाएगा जीरो। तो आप देखो आपको ध्यान आ रहा होगा भाई ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वन बराबर, ठीक है, ये फॉर्मूला किसका होता है एक्स क्यू प्लस के वन का, यानी कि आया ना समझ में, तो बराबर में कितना है जीरो, तो एक्स क्यू बराबर कितना आ जाएगा मेरा माइनस वन, यानी कि आपको याद ये रखना है जब कभी भी आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर वन दिख जाए तो एक्स क्यू की पावर हमेशा माइनस वन होती है, एक्स क्यू की पावर हमेशा माइनस वन होती है। अब आप इस सवाल को जब देखोगे तो मुझे ये दिख रहा है भाई एक्स की पावर नौ, एक्स की पावर नौ अगर मैं इस सवाल में से कॉमन ले लेता हूँ, है ना, एक्स की पावर नौ इस सवाल में से मैं कॉमन ले देता हूँ तो आप देखोगे एक्स की पावर तीन प्लस वन रह जाएगा, और आपको पता है एक्स की पावर तीन की वैल्यू कितनी है माइनस वन है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा जीरो। इसी तरह से आप इसमें देखोगे एक्स की पावर सात जब कॉमन ले लोगे तो एक्स की पावर तीन प्लस वन हो जाएगा, है ना, तो ये भी देखो आप इसकी जगह माइनस वन लगाओगे माइनस वन और प्लस वन जीरो हो गया, यानी इस सवाल का भी आंसर कितना हो जाएगा जीरो। तो आपको इस बात में ये समझना होगा कि आपको जैसे ही आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर वन दिख जाए आप ये समझ जाओ भाई एक्स की पावर तीन की वैल्यू माइनस वन है, तो आप बस ये देख लिया करो अगर इस तरह का सवाल है, अगर तीन तीन का अंतर है पावर में, अगर तीन का अंतर है तो उनको बस काटते चले जाओ, देखो आंसर कितना आ गया जीरो, यहाँ भी तीन का अंतर वो मैंने बताया ना क्यों है, ठीक है, तो आप इसको भी काट दोगे आंसर कितना आ जाएगा जीरो, ठीक है। देखो इस तरह का मैं एक सवाल लेता हूँ, है ना, आप देखोगे एक्स की पावर 103, ठीक है, आप कोशिश करें निकालने की, 100 प्लस मैं आगे लिखता हूं एक्स की पावर 90, एक्स की पावर 87 यानी 87 प्लस, ठीक है, आप खुद बताएं इसे, है ना, देखो अच्छा खासा सवाल है एसएससी सीजीएल में पूछा गया है सवाल लास्ट ईयर, ठीक है, आप आगे देखेंगे एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 6 प्लस के 3, ये सवाल है, ठीक है, तो आप इसे सोल्व करें तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए भाई। देखो जैसे ही देखो सवाल यही है, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर वन है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है,
इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप ये बात समझ जाओ कि जब x प्लस वन अपॉन x बराबर वन है तो अगर घात में तीन तीन का अंतर है यानी पावर में तीन तीन का अंतर है तो वो क्या होगा, कटती चली जाएंगी। तो आप देख रहे हो 100 103 तीन का अंतर, यहाँ भी तीन का अंतर, आप देख रहे हो 50 47 यहाँ भी तीन का अंतर, यहाँ भी तीन का अंतर, बचा क्या तीन, यही क्या है मेरा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हाँ तो भाई पेश है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 और ये बड़ा खूबसूरत सा सवाल आपके सामने। आप देखेंगे वो x प्लस वन अपॉन x बराबर वन लास्ट जो सवाल कराया उसी बेस पर है, आप कोशिश करें। ठीक है, फिर आप वीडियो को फिर से चालू करें, है ना। तो आप देख रहे हो x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू जब 1 होती है तो मैंने आपको बताया भाई x की पावर 3 की वैल्यू हमेशा माइनस बनाती है। ठीक है, कब, आप कंडीशन याद रखें x प्लस वन अपॉन x बराबर 1 तो x की पावर 3 बराबर माइनस 1। अच्छा आप सोच रहे हो भाई मैथ में इतनी चीजें कैसे याद रखे, जब आप जीके जनरल नॉलेज साइंस वगैरह में इतनी चीजें आप याद करते हो, मैथ में थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन के दौर में आपको पता है कि सवालों को जितनी जल्दी से हम निकाल सकें उतना ही हमारे लिए बढ़िया रहेगा, वरना आप सिर्फ सोचते रहें आपको एग्जाम क्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक्स की पावर 3 की वैल्यू कितनी है मेरी, माइनस 1। तो आप देख रहे हो एक्स की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9, इसे आप सोल्व करोगे तो एक्स की पावर 9 को मैं एक्स की पावर 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ या नहीं, और इसको क्या करोगे आप x की पावर 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। आया ना समझ भाई, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 थी 9, तो x की पावर 3 की वैल्यू माइनस 1। अच्छा माइनस 1 की पावर हो जाएगी ये 3 प्लस ये कितना हो जाएगा मेरा 1 बट्टे माइनस 1 की पावर 3। तो माइनस 1 की पावर जब विषम संख्या होती है माइनस 1, यही माइनस 1 आंसर कितना आ गया मेरा माइनस 2। ठीक है, ऐसे ही आप देखो इसमें क्या करोगे x की पावर 3 की पावर इसे 4 कर लोगे प्लस ये भी हो जाएगा मेरा x की पावर 3 की पावर 4। तो x की पावर 3 की वैल्यू माइनस 1 की पावर जब सम संख्या होती है तो प्लस 1, और ये प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा। तो इस सवाल की करता हूँ, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इस सवाल इस क्लास में हमने जो टोटल मिला के 8 क्वेश्चन किए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा सेशन ये अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो भाई देखो लाइक जरूर करना, क्योंकि अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो मेरे साथ सपोर्ट बनाए रखें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।